नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद तिमौर पर लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान जूता फेंका गया। हालांकि इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए, लेकिन भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उसकी जान बचाई और पुलिस को सौंप दिया गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान आकाश सैनी के तौर पर हुई है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार बयानबाजी को लकीर आहत था। अब पुलिस आरोपी आकाश सैनी को लेकर जा रही थी तो उसने मीडिया को बताया कि वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर बयान दे रहे थे, वो उससे आहत था। फिलहाल पुलिस आकाश को अपने साथ ले गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधान पार्षद पर हमले का मामला गर्मा गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वहीं पर युवक ने उन पर जूता फेंका। वहीं महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने वाले शख्स को मेरी तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि इस मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि इस तरह की घटना को किसी भी सूरत में डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन कल घोसी उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान जब बीजेपी प्रत्याशी पर स्याही फेंकी गई थी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी का काम है, तो जो आज ये घटना हुई है उसे सपा ने करवाया है। इस पर सपा प्रवक्ता अभिषेक राय ने कहा कि ये घटना बीजेपी के इशारे पर ही हुई है। मऊ में जो हुआ है वो भी बीजेपी प्रतिजोरित है, आरोपी ने खुद इस बात को कहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब